नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर हाजिर हूँ उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की फैकल्टी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ईयर इंस्टॉलेशन, वो सारा आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद है आपके जो कमेंट्स आए, लाइक्स आए, उसको देख के मुझे उम्मीद लग रही कि आपको बहुत अच्छा पसंद आया है। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा आई इंस्टॉलेशन। तो आई इंस्टॉलेशन पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आई की स्ट्रक्चर एनाटॉमी आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसको, ठीक है। तो एक बार थोड़ी सी एनाटॉमी देखते हैं अपन आई की। ये आई है हमारी, अब इसमें देखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला जो पोर्शन है ये देखिएगा। तो ये वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग कंजक्टाइवल सेक बोलते हैं, कि जब हम ड्रॉप डालेंगे, ऑइंटमेंट डालेंगे, तो हम बार बार वहाँ जिक्र करेंगे कंजक्टाइवल सेक का, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, जो मैंने अभी आपको डार्क किया है, ये वाला पोर्शन कहलाता है आपका कंजक्टाइवल सेक कहलाता है। अब ये आई है, इसका ये वाला जो एरिया है ये मीडियल एरिया कहलाता है। अगर ये यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ देखो आराम देखिएगा, ये आई है मेरी, तो इसका ये जो राइट आई है, इसका ये वाला एरिया ये मीडियल एरिया है, और इसकी बात अगर करूँ मैं तो ये लेटरल एरिया है, राइट। ये मीडियल पोर्शन है और ये लेटरल पोर्शन है, राइट। तो ये वाली आपकी कहलाती है कंजक्टाइवल सेक कहलाती है ये वाला एरिया। और इसकी मैं अगर बात करूँ आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये इन्फीरियर लैक्राइमल पंक्टम वाला एरिया होता है, इन्फीरियर लैक्राइमल पंक्टम वाला एरिया होता है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ये वाला पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये आई लीड का ये वाला पोर्शन, तो ये आपका एंटीरियर लीड कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये एंटीरियर लीड मार्जिन कहलाएगा आपका, ठीक है। ये एंटीरियर पोर्शन है, और ये वाले की अगर मैं बात करूँ, ये अनर वाला, तो ये कहलाएगा आपका पोस्टीरियर लीड मार्जिन कहलाता है। ये वाला एरिया जो है, ये आपका एंटीरियर है और ये आपका पोस्टीरियर लीड मार्जिन है, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से, ये देखो इस तरह के पोर्स बने होंगे, ये पोर्स कहलाते हैं ओरिफिस ऑफ मीबोमियन ग्लैंड्स। ये ओरिफिस है, ये उसका निकास द्वार है, किसका, मीबोमियन जो ग्लैंड्स होती है उसका ओरिफिस है ये, ठीक है। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर थी जो आपको समझ में आई होगी, कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला पोर्शन आपका कंजक्टाइवल सेक कहलाएगा, राइट। और ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है आपका इन्फीरियर लैक्राइमल पंक्टम कहलाता है, और ये वाला जो है ये आपका एंटीरियर लीड मार्जिन है, ये वाला एरिया आपका पोस्टीरियर लीड मार्जिन है, और ये जो पोर्स बने हैं अंकल जैसे देखिए आप दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो ये कहलाती है आपकी, और कहलाती है ओरिफिस ऑफ मीबोमियन ग्लैंड्स कहलाती है ये, ठीक है। ये आप मैं बात करूँ आपका, ये इनर कैंथस है, ये वाला इनर कैंथस है, और ये आउटर की तरफ, इनर कैंथस से आउटर की तरफ अपन देखेंगे इसको, ठीक है। ये इसका साइड लाइन एरिया है, ठीक है। ये इसका मीडियल रेंज कहलाएगा, ये इसका लेटरल लेंस कहलाता है, राइट। चलिए अब मैं आपके आगे की बात करता हूँ, कि हम बात कर रहे थे कि आई इंस्टॉलेशन, तो आई इंस्टॉलेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की आपसे बात करूँ, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ आई इंस्टॉलेशन, तो आई इंस्टॉलेशन क्या होता है, कि ड्रॉप बाई ड्रॉप किसी बॉडी कैविटी में मेडिकेशन का डालना, वो कहलाता है आपका हाँ, तो बच्चों मैं बात कर रहा था अभी आपसे, कि अगर आपको आई ड्रॉप डालनी है, तो देखिए आपको आई ड्रॉप ऐसे डालनी है, या आपको इधर लेटरल साइड से डालनी है, ठीक है। लेटरल साइड से यहाँ से डालनी है आपको, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इस तरह से, इस साइड से, इस साइड को यहाँ पर डालनी है आपको, राइट। और अगर मैं बात करूँ, अगर आपको ऑइंटमेंट डालना हो आपको, तो ऑइंटमेंट कैसे डालेंगे, देखिए ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखिए ये आई नज़र आ रही है आपको, और आपको यहाँ एक ईयर ड्रॉप, आप सॉरी आई ड्रॉप इसमें स्टिल कर रहा है ये। अगर मैं यही बात करूं आपका, अगर ऑइंटमेंट की बात करूं, तो देखिए ऑइंटमेंट ऐसे डालेंगे आप, ऑइंटमेंट की देखिए ये डायरेक्शन रहेगी आपके, देख रहे हैं आपको, कि देखिए
इनर से आउटर की तरफ आप डालेंगे। देखिए ये डाल दिए, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा, ये देख लो यहाँ से डाल दिए इन्होंने, यहाँ से डालना स्टार्ट किया, यहाँ से आपको इस तरफ से इनर टू आउटर की तरफ से जाना है, ठीक है। जब ऑइंटमेंट की कंडीशन हो आपको, तो ऑइंटमेंट या ट्यूब आपको डालनी हो तो उस कंडीशन में क्या जाएंगे आप, इनर से आउटर की तरफ या इनर के अंदर टू आउटर के अंदर। जब आपको आई ड्रॉप डालनी हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ डालनी है आपको, क्योंकि ब्लिंकिंग के चांसेस कम चांसेस होंगे उस कंडीशन में, राइट। अब मैं डेफिनेशन की आपकी बात कर रहा था इसको, कि आई इंस्टिलेशन क्या होता है। तो आई इंस्टिलेशन होता है आपका कि लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग आर एडमिनिस्टर इन द कैविटी ऑफ बॉडी ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर हम आई में किसी ड्रग का एडमिशन लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग अगर डालते हैं तो वो कहलाता है आपका आई इंस्टिलेशन कहलाता है, राइट। कि लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग आर एडमिनिस्टर इन द कैविटी ऑफ बॉडी ड्रॉप बाय ड्रॉप इज नोन एज आई इंस्टिलेशन, राइट। किस तरह आपको ड्रॉप डालनी है, अगर आपको ऑइंटमेंट डालना है तो किस डायरेक्शन में डालना है, ठीक है। एनाटॉमी आपको आई की समझ में आ गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका पर्पज क्या है, क्यों डालते हैं हम लोग आई ड्रॉप, क्यों डालते हैं, राइट। आई ड्रॉप क्यों डालते हैं, इसके पर्पज देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या पर्पज है। पर्पज की बात करते हैं, तो पर्पज है आपका इन्फेक्शन से कंट्रोल करना। पहला पर्पज है आपका कंट्रोल फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से कंट्रोल करना या ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, मैं आपको बोलूं ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, पहला पर्पज ये है। और दूसरा पर्पज की अगर मैं बात करूं इससे, तो बिफोर फंडोस्कोपी, आप लोगों ने नाम सुना फंडोस्कोपी, फंडल एग्जामिनेशन, बिफोर फंडोस्कोपी, फंडस एग्जामिनेशन, बिफोर आई एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, आई एग्जामिनेशन को हम बोलते हैं फंडल एग्जामिनेशन, या कोई भी आपकी सर्जरी हो रही है, आई सर्जरी हो रही है, उससे पहले से हम क्या करते हैं उसकी फंडोस्कोपी करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आई इंस्टिलेशन करते हैं, ड्रॉप डालते हैं, उसके बाद में फंडस का एग्जामिनेशन किया जाता है, राइट। तो दो चीज आपको क्लियर हो गई कि पहला आपका ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, सेकेंड आपका बिफोर फंडस एग्जामिनेशन। आई का एग्जामिनेशन करने से पहले या सर्जरी करने से, कोई भी सर्जरी को परफॉर्म करने से पहले हम क्या करते हैं फंडोस्कोपी करते हैं, तो वो भी इसका एक पर्पज है आपका, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन की मैं बात कर चुका हूं, तो लुब्रिकेट आईज, अगर मैं पर्पज देखूं तो लुब्रिकेट करने के लिए, टू लुब्रिकेट आईज, आईज को लुब्रिकेट करने के लिए भी इसका क्या करते हैं हम लोग आई इंस्टिलेशन करते हैं। तो ये तीन पर्पज हैं आपको जो ध्यान रखना होगा, कि ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बिफोर फंडोस्कोपी या बिफोर आई एग्जामिनेशन या कोई भी सर्जरी परफॉर्म करने से पहले हम लोग क्या करते हैं आई इंस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेट आईज, आईज को लुब्रिकेट, जो ड्राइनेस हो जाती है आई में, तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए भी हम लोग आई इंस्टिलेशन करते हैं। तो ये आपके पर्पज हो गए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ड्रग्स की, कौन कौन सी ड्रग्स जो हम यूज करते हैं आई में, उनका टाइप्स क्या है और कैसे उनका यूज किया जाता है, तो ये देख लेते हैं हम लोग, टाइप्स देख लेते हैं एक बार इसके आई इंस्टॉलेशन के। ये पर्पज आपको याद हो गए, क्लियर होगा। अब इसके पर्पज के बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो कि आई इंस्टॉलेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आएगा 1% सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं हम लोग, 1% सिल्वर नाइट्रेट। क्या यूज है 1% सिल्वर नाइट्रेट का, ये ठीक है एक एंटीबायोटिक है, 1% सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक एंटीबायोटिक है आपके, राइट। इसका यूज कहां होता है आपको देखा हो तो, ट्रीटमेंट ऑफ गोनोकोकल इन्फेक्शन, कहां यूज करते हो 1% सिल्वर नाइट्रेट को आप, ट्रीटमेंट ऑफ गोनोकोकल इन्फेक्शन, गोनोकोकल इन्फेक्शन में आप कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे, आई एंटीबायोटिक की बात करें तो 1% सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है इस कंडीशन में, राइट। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो विच मेडिसिन
वी कैन यूज द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोकोकल इन्फेक्शन इन न्यूनेट्स की बात करें, न्यूबॉर्न की बात करूं, क्वेश्चन है आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि विच एंटीबायोटिक शुड बी यूज इन गोनोकोकल इन्फेक्शन इन न्यूनेट्स। तो आप बात करोगे इस कंडीशन में क्या आंसर होगा आपका, 1% सिल्वर नाइट्रेट आप यूज करते हैं उस कंडीशन में, राइट। तो 1% सिल्वर नाइट्रेट। दूसरी में बात करूं माइड्रेट्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने माइड्रेट्स, माइड्रेट्स का एग्जांपल बताइए, आप बताइए सर। 1% एट्रोपिन सल्फेट, माइड्रेट्स क्या करती है ये पिपिल को क्या काम करती है, पिपिल जो आई पिपिल होती है उसको डायलेट करने का काम करती है, कंसिस्ट करने का काम करती है, ये पीपल को डायलेट करने का काम करती है, जो आपकी माइड्रेट्स हैं ये पीपल डायलेशन का काम करती है, पीपल डायलेशन का काम करती है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल की बात करूं तो कौन सा एग्जांपल होगा, जैसे यहाँ हमने देखा कि एंटीबायोटिक में 1% आपकी सिल्वर नाइट्रेट थी, इसी प्रकार यहाँ पर होती है 1% एट्रोपिन सल्फेट, तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइड्रेट्स, पहला ऑप्शन आपका ये होगा सिल्वर नाइट्रेट, सेकंड ऑप्शन होगा आपका 1% एट्रोपिन सल्फेट या पाइलोकार्पिन आपको दे देगा वो ऑप्शन में, तो आपका आंसर इस कंडीशन में क्या जाएगा, माइड्रेट्स की बात करता है अगर वो तो आपका 1% एट्रोपिन सल्फेट। ये क्या काम आती है एट्रोपिन सल्फेट, ये आपके पिपल्स को डायलेट करने का काम करती है, राइट। तो अब ये किस कंडीशन में, एक चीज ध्यान रखिएगा कि माइड्रेट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है इसका, कि माइड्रेट्स आप कहाँ यूज नहीं करोगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं अगर मैं कि किस कंडीशन में आपकी माइड्रेट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेट है, एनीवन को बता पाएगा, किस कंडीशन में हम माइड्रेट्स को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लूकोमा पेशेंट्स, जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स होते हैं उन ग्लूकोमा के पेशेंट्स में आपकी माइड्रेट्स कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम मेरा आपसे पूछेगा कि कौन से पेशेंट्स हैं, निम्न में से किस पेशेंट्स में आप माइड्रेट्स कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा ग्लूकोमा पेशेंट्स। आपने आपको जानकारी होगी जो ग्लूकोमा के पेशेंट होते हैं उनका ऑलरेडी इंट्रा ऑक्यूलर जो प्रेशर होता है वो बढ़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में ये क्या काम कर रही है, आपके पीपल को ऑलरेडी फिर डायलेट करने करेगी ये, इसलिए आप इस कंडीशन में माइड्रेट्स यूज नहीं करेंगे ग्लूकोमा की कंडीशन में, राइट। कोई भी इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेशेंट को, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, इसलिए ये यूज नहीं करते हैं। ये आपकी माइड्रेट्स हो गई, सब एंटीबायोटिक्स हो गई, 1% सिल्वर नाइट्रेट की बात हम लोगों ने कर ली कि ये किस में गोनोकोकल इन्फेक्शन में यूज की जाती है, सेकंड माइड्रेट्स की हम लोगों ने बात की, इसके एग्जांपल अगर पूछता है तो आपका कौन सा एग्जांपल होगा माइड्रेट का एग्जांपल, 1% एट्रोपिन सल्फेट इज द माइड्रेट्स यूज इन, किस में यूज की जाती है, ग्लूकोमा के जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अब थर्ड देख लेते हैं हम लोग, मायोटिक्स की बात करते हैं, माइड्रेट्स के जस्ट अपोजिट ये पीपल्स को क्या काम करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, पीपल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, मायोटिक्स की बात करूं अगर मैं तो जस्ट अपोजिट टू माइड्रेट्स, राइट। तो जहां माइड्रेट्स यूज नहीं कर सकते आप वहां मायोटिक्स यूज करोगे, और जहां मायोटिक्स यूज नहीं कर सकते वहां पर माइड्रेट्स आप यूज कर सकते हो, राइट। अब ये क्वेश्चन आएगा जस्ट इसके बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मायोटिक्स क्या काम करती है, पीपल्स का ये कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, जबकि माइड्रेट्स आपकी पीपल्स को डायलेट करने का काम करती है। अब एग्जांपल पूछेगा आपसे एग्जामिनर, आपसे क्या पूछेगा इसका एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मायोटिक्स आई ड्रॉप, तो क्या एग्जांपल देंगे आप, दोनों ऑप्शन पहले वाले दे देगा आपको 1% सिल्वर नाइट्रेट और सेकंड दे देगा 1% एट्रोपिन सल्फेट और थर्ड आपके पास ऑप्शन दे देगा वो पाइलोकार्पिन, तो पाइलोकार्पिन इज द राइट आंसर, पाइलोकार्पिन, राइट। तो इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछता है मायोटिक्स का एग्जांपल पूछता है तो आप पाइलोकार्पिन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहीं पे कि विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड
क्वेश्चन है आपसे कि विच ड्रग इज एडमिनिस्टर, प्लीज एक बार ओके करिए सर, थोड़ा लाइट तो ऑन करा, लाइट ऑन कर दीजिए सर, ये आप बंद कर दो एक बार इसको, लाइट ऑन कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए। क्वेश्चन था मेरा विच ड्रग इज एडमिनिस्टर क्वेश्चन है मेरा कि विच ड्रग इज एडमिनिस्टर इनटू आई यहां तक विच ड्रग इज एडमिनिस्टर इनटू आई व्हेन ए क्लाइंट हैव व्हेन ए क्लाइंट हैव टॉक्सिसिटी विथ पाइलोकार्पेन टॉक्सिसिटी पाइलोकार्पिन जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये मायोटिक्स है और पीपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है। तो उस कंडीशन में आपसे एग्जामिनर तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ड्रग इज एडमिनिस्टर इनटू आई व्हेन ए क्लाइंट हैव टॉक्सिसिटी विथ पाइलोकार्पिन। तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे हम लोग, मायोटिक्स तो यूज, ये मायोटिक्स है तो माइड्रेट्स यूज कर सकते हैं, माइड्रेट्स यूज कर सकते हैं उस कंडीशन। माइड्रेट्स का एग्जांपल मैंने अभी जस्ट आपको बताया, एट्रोपिन सल्फेट, 1% एट्रोपिन सल्फेट इज द राइट आंसर, 1% एट्रोपिन सल्फेट। तो क्या आंसर करेंगे आप, 1% एट्रोपिन सल्फेट यूज करेंगे इस कंडीशन में, या आपको यह कह देंगे माइड्रेट्स अगर वो देता है उस कंडीशन में तो ये माइड्रेट्स आप टिक करेंगे उस कंडीशन में, राइट। यहां तक क्लियर होगा, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, ये आर्टिकल्स की बात करते हैं कि आपको क्या क्या आर्टिकल्स इसमें चाहिएंगे, आर्टिकल्स क्या क्या आर्टिकल्स चाहिएंगे हम लोगों को, आई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं आर्टिकल्स, ग्लव्स चाहिएंगे आपको, स्टराइल ग्लव चाहिए, किडनी ट्रे चाहिएगी, जो भी आपकी मेडिकेशन है, जो भी डॉक्टर ने प्रोवाइड की है, आपको प्रेस्क्राइब की है वो मेडिकेशन चाहिएगी। सबसे पहले मैं बात करूं स्टराइल ग्लव्स चाहिएंगे आपको, स्टेराइल ग्लव्स आपको चाहिएंगे। नंबर टू मैं बात करूं और क्या चाहिएगा आप लोगों को, जो भी रिलेटेड मेडिसिन है वो मेडिसिन चाहिएगी आपको, मेडिकेशन जो भी प्रेस्क्राइब की गई है वो मेडिकेशन चाहिए आपको। उसके अलावा और क्या चाहिए आपको, किडनी ट्रे चाहिएगी आपको। नंबर फोर आपका कॉटन स्वाब्स चाहिएंगे आपको, कौन से कॉटन स्वाब चाहिएंगे, स्टेराइल होने चाहिए ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, किस चीज की नीड होगी, स्टेराइल ग्लव्स हो गए आपके, मेडिसिन हो गई रिलेटेड जो भी है, किडनी ट्रे हो गई, कॉटन स्वाब्स हो गए आपके, उसके अलावा किडनी ट्रे आपने कर ली, ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग पैड आपको चाहिएंगे, और साथ में इसको पेड़ को फिक्स करने के लिए चाहिए कि आपको क्या पेपर टेप चाहिए। तो ये सारी आर्टिकल्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल्स होने चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, जो भी रिलेटेड मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब की गई है, जो आई इंस्टॉलेशन में आपको यूज करनी है वो मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, किडनी ट्रे होनी चाहिए आपके पास में, कॉटन स्वाब्स होने चाहिए, स्टेराइल ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग पैड आपके पास होने चाहिए, और पेपर टेप आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। स्टेराइल कॉटन बॉल्स, स्टेराइल कॉटन बॉल्स भी आपको चाहिए, ठीक है, स्टेराइल कॉटन बॉल्स जो किसमें डिप हुए हो विद नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन में भीगे हुए होने चाहिए, किसमें भीगे हुए होने चाहिए, नॉर्मल सलाइन में भीगे हुए होने चाहिए, ये सारे आप आर्टिकल्स आपके पास होने चाहिए। याद रहेंगे आपको किस तरह ग्लव्स होना चाहिए, मेडिकेशन चाहिए, किडनी ट्रे आपको चाहिए, कॉटन स्वाब आपके पास होने चाहिए, स्टेराइल ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग पैड आपके पास होना चाहिए, उसको फिक्स करने के लिए पेपर टेप चाहिए, और स्टेराइल कॉटन बॉल्स आपको चाहिए क्लीन करने के लिए, राइट, जो कि नॉर्मल सलाइन में वेट हो, राइट। अब इसके बाद में आप क्या क्या चीजें असेस करोगे बिफोर ईयर इंस्टॉलेशन, यहां तक आपकी ठीक है बात हो गई, अब इसके बाद में क्या क्या चीज आप असेस करेंगे,
वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अगर इससे पहले मैं पोजीशन की बात करूं तो आप कौन सी पोजीशन देंगे, कंफर्टेबल होगी कौन सी पोजीशन पेशेंट के लिए? पोजीशन या तो आप उसको सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं, सिटिंग पोजीशन या लेइंग डाउन, या मैं बात करूं इसी लेइंग डाउन को बोला जाता है। अगर स्पाइन पोजीशन दी जाए पेशेंट को, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसको सिटिंग पोजीशन दे रहे हैं या लेइंग डाउन पोजीशन दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो हेड है वो हाइपर एक्सटेंडेड होना चाहिए, बैकवर्ड साइड में मूवमेंट ऐसे होनी चाहिए, इसका इस तरह फिक्स होना चाहिए, फिर इजीली आप आई ड्रॉप इसमें ऐसे डाल सकते हैं। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो हेड है वो हाइपर आपके चिन हाइपर एक्सटेंडेड होनी चाहिए। अगर सिटिंग पोजीशन में होनी है तब भी उस कंडीशन में होना चाहिए, अगर स्पाइन पोजीशन में है तो भी आपका हाइपर एक्सटेंड पोजीशन में होना चाहिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेड हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में होना चाहिए, हाइपर एक्सटेंडेड होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए। अब क्या क्या चीज आप असेस करेंगे बिफोर आई इंस्टॉलेशन, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखनी है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि असेस बिफोर असेस फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर आई इंस्टॉलेशन, क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ा सा मैं असली आपको बता दूं। सबसे पहली चीज तो ये आपको देखनी होगी उसको कि अपीयरेंस ऑफ द आई स्ट्रक्चर और सराउंडिंग स्ट्रक्चर, अपीयरेंस ऑफ द आई, आई की अपीयरेंस कैसे आ रही है, रिलेटेड उससे स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको इनिशियल स्टेज में अभी आपसे डिस्कस की है, वो सारी चीज आप अच्छी तरह गौर करके देखेंगे उस पर, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं एनी एलर्जी टू मेडिसिन की, पेशेंट आप पूछेंगे कि एनी एलर्जी तो नहीं है आपको पहले, अगर आपको कभी आई इंस्टॉलेशन हुआ, आई में कोई ड्रॉप डाली गई है, उसकी कोई एलर्जिक हिस्ट्री है तो प्लीज एक बार हमें बता दीजिए ताकि हम फिजिशियन को इन्फॉर्म कर सकें, राइट। तो कोई भी एलर्जी अगर हिस्ट्री है तो एक बार वो भी आप देख लेंगे। उसके अलावा आप लोकेशन एंड नेयर ऑफ डिस्चार्ज, अगर किसी तरह का कोई डिस्चार्ज हो रहा है वहां से, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी जगह प्रेजेंट है वो, और टाइप कैसा है, कौन सा कलर है उसका। तो किसी भी प्रकार का अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो एक बार उसका डिस्चार्ज को अच्छी तरह आप एग्जामिन करेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, कहाँ पर उसकी प्रेजेंस है, कलर क्या है उसका, ये सारी चीज एक बार एग्जामिन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे, इसके अलावा और देखना है आप लोगों को लोकेशन और यूज ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस, अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रखे हैं, कॉन्टेक्ट लेंस कि पेशेंट ने कॉन्टेक्ट लेंस तो नहीं पहन रखे हैं, अगर कॉन्टेक्ट लेंस अगर पहन रखे हैं तो उनको क्या करना होगा, आपको रिमूव करना होगा। तो ये पहली चीज डिस्चार्ज, आपको किसी तरह का कोई रेडनेस तो नहीं है वहां पर, एरिथमा तो नहीं है, एक्जुडेट तो नहीं है वहां पर किसी तरह का, कोई लीजन तो नहीं है वहां पर किसी तरह का, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है वहां पर, रेडनेस हो वहां पर, एरिथमा हो, कोई एक्जुडेट प्रेजेंट हो वहां पर, ठीक, या वहां पर कोई लीजन प्रेजेंट है अगर, तो उसका आप अच्छी तरह देख लेंगे, ठीक है। एक्जुडेट से मतलब आपका किसी तरह कोई रिसाव तो नहीं है, एक्जुडेट अगर मैं हिंदी में बात करूं उसकी, तो किसी तरह का कोई रिसाव तो नहीं है, एरिथमा की अगर मैं बात करूं, अगर वहां पर कोई रेड लाल दाने तो नहीं है आई में, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि वहां रेडनेस तो प्रेजेंट नहीं है, वहां एरिथमा तो प्रेजेंट नहीं है, एक्जुडेट्स तो कोई प्रेजेंट नहीं है, वहां पर कोई लीजन तो नहीं है, इसको बारीकी से आप लोगों को एग्जामिन करना होगा एक बार, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्शियस एंड विलिंगनेस ऑफ पेशेंट टू कोऑपरेट, कि पेशेंट की कॉन्शियस की माइंड प्रेजेंस कितनी है, पेशेंट की कॉन्शियसनेस कितनी है, कितना आपको कोऑपरेट कर पाएगा पेशेंट या नहीं कर पाएगा, इस चीज का भी आपको एग्जामिन करना है कि एडल्ट है या फिर चाइल्ड है, बच्चा क्या है, वो भी आपको एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक बार आपको एग्जामिन करनी है, ठीक है। उसके बाद आप फिजिशियंस का ऑर्डर क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, क्या, चेक फिजिशियंस ऑर्डर, फिजिशियंस
फिजिशियंस का ऑर्डर आपको अच्छी तरह चेक करना पड़ेगा, उन्होंने कौन सी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब की है, क्या उसकी कंसंट्रेशन है, 1% है, 2% है, 3% कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको कितनी डालनी है वो भी इंपॉर्टेंट है आपको। तो फिजिशियंस के ऑर्डर को आपको कितने टाइम डालनी है, आपको 4 आवरली डालनी है, 6 आवरली डालनी है, ओडी डालनी है या आपको एक आई में डालनी है, दोनों आई में डालनी है, राइट आई में डालनी है, लेफ्ट में डालनी है, दोनों में डालनी है। तो फिजिशियंस के ऑर्डर को आपको केयरफुली एक बार अच्छे से रीड करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा, ये सारी चीज आपको देखनी होगी एक बार। अगर मैं बात करूं आपको कि ओडी की, अगर वो बात करता है, अगर उसने ओडी लिख दिया आपको या ओएस लिख दिया आपको या उसने लिख दिया आपको ओयू लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है? ओडी का मतलब अगर बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है आपसे राइट आई की बात कर रहा है, ठीक है। ओडी की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको राइट आई में डालना है। अगर वो ओएस की बात कर रहा है, इस मीन्स आपको लेफ्ट आई में डालना है, राइट। अगर ओयू की बात करें, अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिखता हूं आप लोगों को, यहां ओडी तक शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ओडी का मतलब आपको राइट आई में ड्रॉप डालनी है, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, वहां क्लियर नहीं दिख रहा है आप लोगों को। हाँ जी, ओडी आपका मतलब राइट आई की बात कर रहा है। ओएस की अगर बात कर रहा है, इसका मतलब आपको लेफ्ट आई में ड्रॉप डालनी है। थर्ड में बात कर रहा था आपसे, ओयू की बात कर रहा था, ओयू का मतलब आपको ओयू, इसका मतलब बोथ आई में आपको ड्रग डालनी है, बोथ आईज की बात कर रहा है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है ये कि ओडी, अगर आप पूछ ले, आपसे ओएस पूछ लेता है या ओयू पूछ लेता है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि ओडी की अगर बात करें तो वो वाला ओडी नहीं है कि ओडी का मतलब आपको एक टाइम देना है, बीडी का मतलब 2 टाइम्स देना है, एचएस का मतलब सोने से पहले आपको देना सोते टाइम, वो यहाँ नहीं चलता। ओडी का मतलब आपको बात कर रहा है वो राइट आई की, और वैसे अगर मीनिंग है यहाँ पर तो आपका लेफ्ट आई में आपको, लेफ्ट साइड वाली आई में आपको ड्रॉप डालनी है, ईयर इंस्टॉलेशन करना है। अगर ओयू लिखा हुआ है अगर उसने, तो उस कंडीशन में बहुत आई में डालना है, ठीक है। जैसे उसने लिख दिया आई ऑइंटमेंट इंटू ओ एस, इट मीन्स आपको इंटू क्यू आई डी कैसे बना देगा आपको, क्या मतलब हुआ इसको कि आई ड्रॉप आपको डालनी है, कैसे? ओ एस का मतलब मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड आई में आपको डालनी है, ठीक है। 4 टाइम्स क्यू आई डी आपको डालनी है, 2 ड्रॉप्स डालनी है, राइट। यहां तक क्लियर है? तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी। आप और क्या हम करते हैं कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन बैंक चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन डेटास देखते हैं उसका, ठीक है, कि एग्जैक्ट पेशेंट है, जो हमारा नेचुरल एक रूल है कि हमें 2 चीज चेक करनी है। सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन बैंक देखना है, उसको क्रॉस चेक करना है, पेशेंट का नेम चेक करना है, एज चेक करनी है आपको पेशेंट के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज की पूरा प्रोसीजर हमें एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि हम आपको आई ड्रॉप डालने जा रहे हैं, उससे आपको हल्का सा, ठीक है, इरिटेशन हो सकता है, लेकिन इससे आपको फायदा होगा, क्या आउटकम्स होगा, वो सारा प्रोसीजर हम लोग पेशेंट को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये सारी चीजें असेस करनी है आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक सर क्लियर हो गया कि कोई भी डिस्चार्ज अगर है पेशेंट को, तो उसको देखना है आपको कि डिस्चार्ज किस टाइप का है, किस साइड से हो रहा है, कलर क्या है उसका, अमाउंट कितना है, ठीक है, कोई रेडनेस तो प्रेजेंट नहीं है, एरिथमा तो प्रेजेंट नहीं है, एक्जुडेट तो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और कोई लीजन तो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कोई घाव तो नहीं है वहाँ आँख में। अगर इस तरह का कोई घाव वगैरह हो, कोई रिसाव हो वहाँ पर, लाल दाने अगर नजर आते हैं आपको, तो ऑलरेडी डॉक्टर को आप इन्फॉर्म करेंगे। फिजिशियंस के ऑर्डर को आपको कम्प्लीटली क्रॉस चेक करना है कि कौन सी ड्रग आपको प्रिस्क्रिप्शन की है, कितना परसेंटेज है, कितनी ड्रॉप्स आपको डालनी है, कितने टाइम्स डालनी है, ठीक है, ऑइंटमेंट डालना है या आपको आई ड्रॉप डालनी है, दोनों का अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। अगर कॉन्टेक्ट लेंस पेशेंट ने यूज कर रखे तो उनको रिमूव करवाना है आपको, ठीक है। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन और पूरा प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे कि ये प्रोसीजर हम आपका करने जा रहे हैं, राइट। इसके बाद आगे, अगर पेशेंट आपका यंग चिल्ड्रन है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर पेशेंट आपका, ठीक है, 3 इयर्स ऑल्ड चिल्ड्रन है, अगर, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? बच्चे इजीली डलवाते नहीं है, आपको कितना क्लोज कर लेते हैं कि वो खोलेंगे ही नहीं, आप कितना ही वो कर लो खोलते नहीं है, जल्दी से कंप्लीटली बंद कर लेते हैं वो लोग, तो उनके लिए ट्रिक करनी पड़ती है आप लोगों को। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? अगर आपका चिल्ड्रन है, 3 साल का है, 4 साल का है, बच्चा है अगर, तो उस कंडीशन में आप अपना जो कलीग है, आपका जो साथी स्टाफ है, उसको आप बुला सकते हैं और उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एक आदमी उसको थोड़ा सा हल्का सा ट्राई कर लेगा, दूसरा
स्टॉप डालेगा उसको। अभी आगे मैं डिटेल बात करूंगा इसी की, ठीक है। तो ये चीजें आपको कम से कम ध्यान रखनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी आप आई ड्रॉप डालते हैं तो आई ड्रॉप आपको रूम टेम्परेचर पे डालनी है, ठीक। आप उसको फ्रिज से निकाल करके बाहर रख देंगे, जब उसका रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तभी आपको ईयर इंस्टीलेशन करना है, आपको आई इंस्टीलेशन करना है आपको। आई ड्रॉप आपको तभी डालनी है जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि जब आपने हमने पढ़ा था कौन सा ईयर इंस्टीलेशन पढ़ा था, तो वहां पर भी रूम टेम्परेचर यूज कर रहे थे। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा आप क्या कि आपकी जो ड्रॉप है ये इंस्टीलेशन कर रहे हो तो जो ड्रॉप का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान, ठीक है। पोजिशन की हम लोगों ने बात कर ली, अब हम लोग थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग हैंड वॉश करते हैं। जनरली कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम लोग हैंड वॉश करते हैं। तो वही चीज यहां करेंगे, प्रोसीजर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोसीजर हैंड वॉश करेंगे, अच्छे से आपको हैंड वॉश करेंगे, क्योंकि आंख का मामला है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, इन्फेक्शन होने के ज्यादा तो चांसेस होते हैं। तो अच्छी तरह से आप सबसे पहले हैंड वॉश कर लेंगे, वॉश ओवर हैंड्स प्रॉपरली, ठीक है। क्या करेगा ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से बचाएगा। इस कंडीशन में अगर अच्छे से आपने हैंड वॉश कर लिए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके स्प्रेड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रिड्यूस द चांस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड इफ यू वॉश ओवर हैंड प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली आप लोगों ने वॉश कर लिए तो चांसेस कम हो जाएंगे उसके। नेक्स्ट आई लीड्स और आई लेसेस को आप अच्छे से क्लीन करना है आप लोगों को, आई जो लीड्स है आपकी और जो आई लेसेस हैं उनको अच्छे से क्लीन करना है आप लोगों को, प्रॉपरली क्लीन करना है आपको इनको, राइट। ये क्लीन हो गया, हैंड वॉश आपके हो गए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, कैसे किसके साथ क्लीन करेंगे आप, स्वाब जो आपने कॉटन स्वाब्स लिए थे, इससे पहले कॉटन स्वाब्स लिए थे, उन कॉटन स्वाब से आपको वाइप आउट करना है। इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ ध्यान रखिएगा, जो आपने कॉटन स्वाब यूज किए थे, कॉटन बॉक्स यूज किए थे ना विद नॉर्मल सैलाइन हम लोगों ने लिए थे, तो उनसे आपको वाइप आउट करना है, उनको क्लीन करना है। क्लीन का जो डायरेक्शन होगा वो ध्यान रखिएगा कि आई लीड्स और आई लेसेस को जो क्लीन कर रहे हैं वो क्या करोगे आप, डायरेक्शन क्या होगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग, बी अवेयर, एकदम ध्यान से सुनिए, समझिए चीज को कि इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ करेंगे हम लोग, ये इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ आपको इस डायरेक्शन में आपकी जो आईलिड्स है और आईलेसेस है उनको क्लीन करना है आपको, किस डायरेक्शन में, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस में। हैंड वॉश आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकेंड आईलेसेस और आईलिड्स आपने क्लीन कर ली, किससे, नॉर्मल सैलाइन से आप लोगों ने क्लीन कर ली उसको अच्छी तरह, ठीक है। क्यों आप भी इसको इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है आपका कि प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन, आपको अगर आपकी जो लैक्रिमल डक्ट है उनमें एंटर कर जाएंगे अगर आपका, ठीक है, अगर आप आउटर से इनर की तरफ करोगे तो जो आपका इन्फेक्शन है वो आपकी लैक्रिमल डक्ट्स में जा सकता है, तो लैक्रिमल जो डक्ट्स हैं उन डक्ट को प्रिवेंट करने के लिए आप जो आईलिड्स को आईलेसेस को क्लीन कर रहे हो वो इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ इसीलिए कर रहे हो जो इन्फेक्शन को कम किया जा सके, कौन से वाले इन्फेक्शन को, जो लैक्रिमल डक्ट है आपकी और लैक्रिमल डक्ट्स में इन्फेक्शन कम हो, बचाव रह सके उनका, इसीलिए, ठीक है। अब एडमिनिस्टर आई ड्रॉप, जब आई ड्रॉप आप एडमिनिस्टर करते हो तो उसमें नर्सिंग का रोल क्या होता है, नर्सिस का क्या रोल है, वो रोल थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, उसको समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट में कि रोल क्या है। नर्सिस रोल इन आई इंस्टीलेशन, शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा सा, ये समझ में आएगा आपको। नर्सिस रोल इन आई इंस्टीलेशन, क्या रोल है आई इंस्टीलेशन में नर्सेस का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
इंस्ट्रक्ट क्या करोगे पेशेंट को, जब भी आप आई ड्रॉप डालेंगे तो कैसे डालेंगे पेशेंट को, ध्यान रखिएगा कि क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को। पेशेंट स्पाइन पोजीशन में आपका लेटा हुआ है या सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, तो पेशेंट को आप बोलेंगे कि आप सीलिंग की तरफ देखिए, आप छत की तरफ देखिए, ठीक है। जब छत की तरफ पेशेंट देखने लग गया तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर को आप इस पे आई लीड पे रखेंगे, और सेकेंड जो आपका थंब होगा, जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड की है, अगर आप राइट हैंडी हैं तो आपका लेफ्ट हैंड क्या होना चाहिए, जैसे इसमें मुझे ठीक है ये इंस्टॉलेशन करना है, आई इंस्टॉलेशन करना है मुझे, इसमें ड्रॉप डालनी है, तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो आपकी होनी चाहिए आई लीड के ऊपर, यहाँ पर जो बोनी प्रोमिनेंस है उसके ऊपर, और सेकंड आपका जो थंब होना चाहिए, जो आपका एक जाइगोमेटिक आर्च है, यहाँ बोनी प्रोमिनेंस है, इस पर होना चाहिए, और उसको इस तरह आप स्ट्रेच करेंगे तो इजीली आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। जब आपको आई ड्रॉप डालनी है तो मैंने अभी आपको बोला था कि आप इधर आउटर सरफेस से ड्रॉप डालेंगे, राइट। अब इस ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि पेशेंट को पहले स्पाइन पोजीशन दे देंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्ट उसको पूरा कर देंगे कि ठीक है आप कहाँ देखेंगे, सीलिंग की तरफ आपको देखना है, आपका इंडेक्स जो फिंगर है ऊपर आई लीड पे होनी चाहिए, और सेकंड जो आपका थंब है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, जाइगोमेटिक जो आर्च है यहाँ पर होना चाहिए, और उसके बाद में आप उसको ड्रॉप, जितनी ड्रॉप आपको प्रेस्क्राइब की गई है उतने ड्रॉप आप इधर से आउटर साइड से यहाँ से इंस्टॉल करेंगे उसको, राइट। यहाँ तक क्लियर है, अब आगे देखिए इसको। अगर आपके टिश्यू वहां के अंदर के टिश्यू अगर एडिमेटिस कंडीशन में है तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है, यहाँ पर बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर ही आपको रखना होगा इन दोनों को, अदरवाइज तो क्या हो सकता है आई में इंजरी हो सकती है, ठीक है, स्क्विंट हो सकता है, तो उसको स्क्विंट से बचाने के लिए आपके जो आपके इंडेक्स फिंगर है और जो आपका थंब है वो दोनों बोनी जो प्रोमिनेंसेज है, क्योंकि यहाँ भी बोन है और यहाँ पर भी आपकी जाइगोमेटिक आर्च यहाँ बोन है, ये बोनी प्रोमिनेंस पे आपको रखना होगा ताकि स्क्वेटिंग उसको नहीं हो, इन चीजों से बचने के लिए। आप तो इसका मैं आपको डायग्राम अभी लास्ट में दिखा दूंगा, अभी जरूरत नहीं है, लास्ट में आपको दिखाता हूं इसका डायग्राम, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ठीक है उसको ड्रॉप डाल रहे हैं पेशेंट को, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें भी कि फर्स्ट ड्रॉप आप जो डालने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक तो ये डिस्टेंस की बात करते हैं या हाइट की बात करते हैं ऑफ नोजल, जैसे कि हम लोगों ने ईयर इंस्टॉलेशन में भी देखा था, तो यहां पर भी आपकी जो ईयर ड्रॉप आप डाल रहे हैं या उनमें डाल रहे हैं तो उसका जो ईयर हाइट जो ड्रॉप है उसका जो नोजल है उस नोजल की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपके कंजक्टिवा से, राइट। तो उसमें आपका ध्यान रखिएगा कि 2-3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये डिस्टेंस क्यों होना चाहिए, क्यों रखते हैं ये डिस्टेंस, आई को इंजरी से बचाने के लिए ये डिस्टेंस रखते हैं, नहीं, इसमें आपका राइट आंसर ये है कि जो आपका नोजल है उस नोजल को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कि वो नोजल आपका इन्फेक्टेड नहीं हो, इसीलिए ये डिस्टेंस रखी जाती है 2-3 सेंटीमीटर के, क्योंकि जो इन्फेक्टेड आई है उसमें आप डाल रहे हो तो आपका नोजल इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर दोबारा आप दूसरे में यूज करोगे, अगर उसको दूसरी आई में यूज करते हो, दूसरे पेशेंट पर अगर यूज करते हो तो वो इन्फेक्शन उसमें चला जाएगा, तो न कि आपकी आई की इंजरी से बचाने के लिए ये डिस्टेंस रखा जाता है, बल्कि आपका जो नोजल है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए डिस्टेंस रखी जाती है 2-3 सेंटीमीटर की। अगर आपका ऑप्शन में 2-3 सेंटीमीटर नहीं हो, अगर 1-2 सेंटीमीटर हो तो आपको 1-2 सेंटीमीटर टिक करना, ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स आपकी 2-3 सेंटीमीटर लिखती है, कुछ 1-2 सेंटीमीटर लिखती है। अगर ऑप्शन में आपका 2-3 सेंटीमीटर है तो आप ये टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में आपका 1-2 सेंटीमीटर है तो आप ये टिक करेंगे, दिस इज मोर ऑथेंटिक 2-3 सेंटीमीटर, राइट। यहां तक क्लियर है, अब आगे की बात करते हैं कि हाँ जब भी आप ड्रॉप उसको डालते हैं पेशेंट को तो फर्स्ट ड्रॉप शुड बी डिस्कार्डेड, पहली ड्रॉप आपको क्या करनी है, पहली ड्रॉप आपको डिस्कार्ड करनी है उसमें, क्यों, कि पहले ये माना जाता है कि फर्स्ट ड्रॉप जो है वो इन्फेक्टेड होगी, क्यों, वो ड्रॉपर से बाहर निकल के आएगी नोजल पे, तो नोजल कहीं ना भी टिक अगर आपका टच हो गया तो उसके इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं, तो फर्स्ट ड्रॉप शुड बी डिस्कार्डेड, यही चीज हम लोगों ने किसमें की थी, ईयर इंस्टॉलेशन में की थी, कि पहली ड्रॉप आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, और फिर जितनी आपको ड्रॉप डालनी है उतनी ड्रॉप आप उसमें
इंस्टॉल कर दीजिए। डाल दी, करेक्ट। आपको ड्रॉप डाल लेनी है उसको, उसके बाद पेशेंट को बोल देना है कि इसको कुछ 30 सेकंड्स के लिए आप इसको आई को क्लोज कर लीजिए, ठीक है। आप उसको रब मत करिएगा, अगर पेशेंट को रब करने को सिर्फ पहले समझा दीजिएगा रब मत करिए, अदरवाइज आपको आई में इंजरी हो सकती है, तो रब नहीं करें उसको, ठीक है। और 30 सेकंड्स के लिए उसको बंद रखे। और दूसरी चीज, जैसे आपने आई ड्रॉप उसको इंस्टॉल कर दी, उसके बाद में आपकी जो लैक्राइमल जो डक्ट है कि वहां पर नहीं जाए, वहां पर इंफेक्शन नहीं हो, तो आप उसको इस तरह प्रेस कर सकते हैं, राइट। इस तरह आप उसको प्रेस करके रखेंगे 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक के लिए, ताकि नेजल में नहीं आ जाए, नेजल लैक्राइमल जो डक्ट है वहां पर अंदर नहीं जाए और वहां पर इंफेक्शन कोज नहीं कर सके। तो ये आपको 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक ये करके रखना है, राइट। अब इसी तरह अगर मुझे ओइंटमेंट डालना है, तो इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई कि इसकी जो आपकी ड्रॉप की डायरेक्शन है, अगर मैं ईयर ड्रॉप की बात करूं, ईयर ड्रॉप की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होती है, ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ साइड से डालनी है उसको साइड, क्योंकि यहाँ ब्लिंकिंग के भी चांसेस कम होते हैं पेशेंट के, राइट। ब्लिंकिंग के चांसेस कम होंगे तो आपको इधर से डालनी है, राइट। तो इधर से इजीली यहां तक जा सकती है कि लेजर और लैक्राइमल डक्ट में कम जाएगी और यहां पर उसके ब्लिंकिंग के चांसेस भी कम होते हैं। यहां डालेंगे तो आपका कॉर्निया पर डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप यहां से डालेंगे ईयर ड्रॉप इधर से इधर की तरफ, राइट। अब मुझे ऑइंटमेंट अगर डालना हो तो ऑइंटमेंट कैसे, डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी, कि ऑइंटमेंट में भी वही होगा आपका कि फर्स्ट लीड आपको क्या करनी होगी, उसकी फर्स्ट जो बीड होगी, उसकी फर्स्ट जो बीड होगी वो आपको डिस्कार्ड करनी है। और कितनी अमाउंट में आपको डालनी है, कितनी की आपको, ठीक है, लगभग 2 सेंटीमीटर जो भी आपकी ऑइंटमेंट है या ट्यूब है उसको 2 सेंटीमीटर आपको टच करना होगा, उससे जो निकल रही है वो उतनी आपको किधर से डालनी है आपको ये ध्यान रखिएगा कि ऑइंटमेंट अगर आपको डालना है तो आपको इधर से डालना है, इधर से इधर की तरफ, यानी इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरफ डालना है, ठीक है, ताकि वो इजीली डिजोल्व हो सके। इजीली डिजोल्व नहीं होता है, डिजोल्व हो जाएगा इजीली और फिर अब्जॉर्व हो सके, इसलिए इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। और इसमें भी फर्स्ट बीड आप इसकी क्या करोगे, आप डिस्कार्ड करोगे, राइट। अब एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे चलता है और फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक ही टाइम आपको ड्रॉप भी डालनी है और ऑइंटमेंट भी डालना है, तो फर्स्ट आप क्या डालेंगे, ऑइंटमेंट डालेंगे, फिर उसके बाद ड्रॉप डालेंगे, पहले ड्रॉप डालेंगे फिर ऑइंटमेंट डालेंगे, या दोनों एक साथ डाल देंगे, क्या प्रायोरिटी होगी? तो इस कंडीशन में हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि पहले हम ड्रॉप डालेंगे आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट का हम वेट करेंगे, उसके बाद में फिर आप आई ऑइंटमेंट डालेंगे, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये अगर दोनों एक साथ डलवा रहा है वो। अब इसी कंडीशन में अगर कोई चाइल्ड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसको आपको आई ड्रॉप डालनी है, तो अब आपको पता है कि बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आई को बहुत अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं, खुलते ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको बड़ी चालाकी से उसमें आई ड्रॉप डालनी है, ठीक है। आपको ये आई ड्रॉप है यहाँ, आपको इस तरह बिल्कुल रेडी करके रखना है यहाँ पर, हाँ ठीक है। बच्चे को बोलना है कि देखिए, क्या कहेंगे बच्चे को, कि देखिए प्लेन आ गया, प्लेन आ गया, ठीक है। बच्चा जैसे ही ऊपर देखने लगता है तुरंत आपको डाल देनी है फुर्ती से, ठीक है। जनरली आप लोगों ने फील्ड्स में ड्यूटी की होगी तो आई के देखा होगा ये चीज़ें, कि बच्चे हैं कि बंद कर लेते हैं, कि खोलेंगे ही नहीं जल्दी से, तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, बड़ी ही चलाकी करनी होगी आपको, और उसको बिल्कुल नियर बाय रखना होगा, उसको बोलना होगा देखिए 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 ऊपर देखिए प्लेन आ गया, सुंदर वाला प्लेन आ गया, देखिए कितना सुंदर है, और तुरंत डाल देनी है आपको, राइट। तो इस तरह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये चीज़ विशेष आपके काम की थी, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी थी, मैंने आप लोगों को पूरा डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसको सीक्वेंस स्क्वीज नहीं करना है आपको, मैंने आपको जस्ट बताया कि जब भी आप आई ड्रॉप पेशेंट को डालेंगे तो उसको बोल देंगे कि आप इसको स्क्वीज मत करिए, अदरवाइज इंजरी हो सकती है पेशेंट को, राइट। 30 सेकंड्स के लिए आप क्या करेंगे कि डक्ट को यहाँ पर इसको प्रेस करके देखेंगे, ताकि नेजो लैक्राइमल जो डक्ट है उसके थ्रू अंदर नहीं जाए और वहां पर नेजो लैक्राइमल डक्ट से इन्फेक्शन आगे तक नहीं पहुंचे, उससे प्रिवेंट करने के लिए उसको आपको प्रेस करके रखना है 30 सेकंड्स के लिए, ठीक है। अगर आपको नीड बड़े जरूरत पड़ते हैं तो आप उस कंडीशन में आप आई लीड्स को क्लीन कर सकते हैं, वाइप आउट कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट में अगर डल गई है तो उस कंडीशन में, और उसका जो आपने कॉटन बॉल्स जो यूज किए हैं उस कॉटन बॉल्स को दे दीजिएगा, एक्सेसिव अमाउंट में ड्रॉप अंदर चली गई है तो उसको बाहर वाइप आउट, अगर बाहर आ रही है तो उसको क्लीन कर ले वो,
अच्छा साइड में गिर रही है, गिर गई हो गलती से, तो उसको क्लीन करने के लिए पेशेंट को आप दे देंगे कि वो उसको क्लीन कर लेगा, राइट। तो स्पेशल दो तीन नोट्स हैं, वो दो तीन स्पेशल नोट्स आप लोग नोट कर लीजिए, जो विशेष आपको सावधानी रखनी है दो तीन, वो स्पेशल नोट आप नोट कर सकते हैं एक बार। सबसे पहली चीज, ये तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ, तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है स्पेशल नोट में। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्ट द पेशेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस, अगर डायलेशन ऑफ पिपिल ऐसी कोई आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी आप आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं जिससे पिपिल डायलेट होती है, कोई भी ऐसी आई ड्रॉप जो यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रही है आपकी पिपिल डायलेट हो रही है, तो उसके बाद पेशेंट की सेफ्टी आपकी है, सेफ्टी आपको देखना होगा कि उसके बाद पिपिल में आपने डायलेट करने वाली कोई भी आपने आई ड्रॉप उसको डाल दी है, उसके बाद पेशेंट चला गया कि बाहर कोई मैं काम करके आता हूँ 10 मिनट में आता हूँ और बाहर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए नर्सिंग ऑफिसर। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने पिपिल डायलेट करने वाली कोई भी आई ड्रॉप अगर डाली है तो उसके बाद में पेशेंट की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, तो पेशेंट को बाहर न जाने दें, उसको बोले आप इस चीज के लिए कि आप आई बंद करके 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, जैसे आपका टर्न आएगा हम आपकी जांच करवा देंगे, आपका आई एग्जामिनेशन करवा देंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वही आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की सेफ्टी, ठीक है, डायलेशन ऑफ पिपिल्स अगर होता है तो उस कंडीशन में। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि अगर आपको दोनों आईज में आई ड्रॉप डालनी है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको दोनों आई में आई ड्रॉप्स डालनी है, एक आपकी इन्फेक्टेड है और दूसरी नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, पहले आप कौन सी आई में आई ड्रॉप इंस्टिल करेंगे। तो पहली ड्रॉप हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी अनअफेक्टेड आई है पहले उसमें डालेंगे, देन उसके बाद में जो अफेक्टेड है आपकी आई, जो इन्फेक्टेड है उसमें आप आई ड्रॉप डालेंगे इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है, अगर आपको एक से, हाँ दूसरा भी एग्जामिनर वो चलाक होता है, वो कहता है कि आपको एक से ज्यादा ड्रॉप डालनी है तो गैप कितना होना चाहिए। अगर आपको एक से ज्यादा ड्रॉप डालनी है, एक आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट डालना है, तो उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, तो उनके बीच में आपका गैप होना चाहिए मिनिमम 5 to 10 मिनट्स का गैप होना चाहिए, 5 to 10 मिनट्स का आपका गैप होना चाहिए दोनों आई ड्रॉप्स के बीच में, राइट। पीडियाट्रिक केस में आपको बता दिया। तीसरा जो पॉइंट है नॉट फॉर पिड्स केस में, स्पेशली उन लोगों के लिए विशेष सावधानी आपको रखनी है कि आपको फुर्ती से काम करना है, चालाकी से काम करना है और तुरंत आपको आई ड्रॉप डाल देनी है, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ उस कंडीशन में, व्हाट इज द रूट, दो क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द रूट दैट क्वेश्चन मैं आपको लिख दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रूट, व्हाट इज द रूट दैट इज यूज्ड बाय द नर्स फॉर एडमिनिस्टर आई ड्रॉप, सबसे पहला आपका ऑप्शन होगा इंस्टॉलेशन, सेकेंड ऑप्शन की बात करूं मैं इरिगेशन, नंबर थर्ड की मैं बात करूं टॉपिकल, फोर्थ की बात करूं मैं नन ऑफ अबव, क्या राइट आंसर होगा। संजय आप बताइए, ध्यान से पढ़िए कि व्हाट इज द रूट दैट इज यूज्ड बाय द नर्स फॉर एडमिनिस्टर आई ड्रॉप इस कंडीशन में, ध्यान रखिएगा रूट की बात कर रहा है, व्हाट इज द रूट, और इस कंडीशन में होगा रूट की अगर वो बात कर रहा है तो ये टॉपिकल रूट्स होगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो ये क्वेश्चन होगा व्हाट इज द प्रोसीजर की बात करता है, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर वेयर नर्स एडमिनिस्टर द आई ड्रॉप, व्हेन नर्स एडमिनिस्टर आई ड्रॉप, अगर प्रोसीजर की वो बात करता है तो उस कंडीशन में क्या जाएगा आपका
आई इंस्टिलेशन जाएगा इसका क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में ना एक वर्ड पे चेंज हो गया क्वेश्चन, या प्रोसीजर की बात करी उसने सेकंड फर्स्ट वाले में रूट की बात करी, तो जहाँ रूट की बात होती है तो वहां पर टॉपिकल रूट आ जाएगा, और अगर वो प्रोसीजर की बात करता है तो वहां पर इंस्टिलेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आई इंस्टिलेशन। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं, और एक बार प्लीज ये उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक बार कमेंट करें। नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा वो आपका ईयर इरिगेशन और आई इरिगेशन होगा, वो कल अपलोड हो जाएगा, तो एक बार इसको अच्छे से देखें आप लोग, और अपने जो भी साथी हैं उन सभी साथियों को बोले उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी के बारे में एक बार बताएं आप लोग, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें आप प्लीज। थैंक यू।